गुप्ता किचन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे और हमारी प्रीवियस रेसिपीज को आप सब जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, जो हमारी रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास आलू के समोसे, तो आइए उसके लिए जो जो चीजें रेडी की उसका पहले रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद अपने आलू के समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बनाएंगे आलू का मटेरियल, तो उसके लिए हमने जो जो चीजें बनाई है उसके अंदर हमारे पास 1 kg ये आलू है जिनको हमने बॉइल कर लिया और उनको मैश करके रख लिया है। उसके बाद ये हमारे पास 1/2 teaspoon जीरा है और उसके साथ ये 2 हमारे पास ग्रीन चिली है, 1/2 teaspoon सॉल्ट है और 1 teaspoon हमारे पास रेड चिली है और उसके साथ हमारे पास पुदीना जो हमने थोड़ा सा ले लिया है मामू। तो सबसे पहले व्यूअर्स इसके अंदर हम ऐड करते हैं जीरा 1/2 teaspoon, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद ऐड करते हैं 2 सब्ज़ मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद ऐड करते हैं 1/2 teaspoon सॉल्ट, और उसके बाद ऐड करते हैं 1 teaspoon रेड चिली। हसबे ज़रूरत है, अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो और उसके बाद इसमें ऐड करते हैं हम पुदीना जो हमने बारीक क्रश कर लिए, ये ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक भी हसबे ज़रूरत है, अगर कम हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज है तो आप कोशिश करें कि नमक का कम इस्तेमाल करें। पुदीना डाल के बड़ी अच्छी खुशबू आती है आलू के समोसों में से और हाजमे के लिए भी बड़ा मुफीद होता है पुदीना, तो आप भी कोशिश करें कि जब समोसे बनाएं आलू के तो उसमें पुदीना का इस्तेमाल लाजमी करें। तो जी व्यूअर्स, ये हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है, तो आइए ये समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने उसके लिए समोसा पट्टियाँ ले ली हैं, ये हमारे पास समोसा पट्टियाँ, पहले इसको हम इसकी शेप दे लेंगे समोसा बनाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये जुड़ जाए और उसके बाद इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे हम और यहाँ पे भी पानी लगा लेंगे और इसके अंदर अब मटेरियल ऐड करते हैं और इसके ऊपर पानी लगा के इसको पहले बंद कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर पानी लगा लेते हैं और इसको कवर कर लेते हैं। ये हमारा समोसा प्रॉपर रेडी हो चुका है, तो इस तरह हम बाकी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब दूसरी बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे समोसा रेडी हो चुके हैं, तो आइए इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं और आपके सामने डिश आउट करके पेश करते हैं। तो आइए चलते हैं इनको फ्राई करते हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम ऑयल डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तो आइए आपको कुछ दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो ये स्ट्रीट में लोगों ने, मोहल्ले के लड़कों ने खेलना स्टार्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो ये व्यूअर्स, चलते हैं, हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो अपने समोसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। दरमियानी आग पे आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा जले भी ना और साथ साथ पलटते भी रहे इनको ताकि जो इनका कलर है वो अच्छा आए। तो जी फिर हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं, तो आइए इनको डिश आउट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इनको ऑयल निकाल लें ताकि ऑयली ना रहें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया था इनका। ये हमारे समोसे फ्राई होकर आ चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी व्यूअर्स, आइए आपको समोसा टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और पुदीने का भी टेस्ट आ रहा है माशाल्लाह। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखो बहुत ही खस्ता और करारा समोसा हमारा माशाल्लाह। होप आप सबको हमारी अच्छी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे फरहान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मैं फरहान फ्रॉम देसी रूफटॉप किचन की तरफ से आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।